हेलो फ्रेंड्स, मैं हनुपुर और नुपुर सुअल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए कंटोला की रेसिपी लेकर आई हूँ, भरुआ कंटोला, और इसको हम लोग काकरोल भी कहते हैं, तो काकरोल पूर भी इसको हम लोग कह सकते हैं। तो इसके लिए हमने कंटोला को, जैसे तीन कंटोले हमने लिए हैं, उसको हमने थोड़े से नमक पानी में इसको बॉयल कर लिया है, देखिए। और बॉयल करते वक्त हमने एक चम्मच से इसको इस तरह से पोक करके देखना है, जब ये सॉफ्ट हो जाए तब हम इसको पानी से निकाल कर उसको उतार कर रख देंगे। अब इसको अंदर से इसकी जो स्टफिंग डालने के लिए हम इसको निकाल लेंगे। तो इसके लिए हम एक बोल ले लेंगे, बोल में हम इसको इस तरह से निकाल कर सारे जो अंदर के पोर्शन है इसको हम यहाँ पर निकाल के रख देंगे। तो यहाँ पर देखिए, हमने कंटोलों को यहाँ पर खाली कर लिया है, जो अंदर था उसको हमने यहाँ पर स्टफिंग के लिए यहाँ पर मैंने निकाल के रख दिया है। और जैसे कि थंबनेल में आपने देख ही लिया होगा कि हम दो तरह के भरुए कंटोले बनाएंगे हम, तो यहाँ पर मैंने 6 ले लिए हैं। तो हमने बनाने हैं दो, हम एक तरह से बनाएंगे विद प्याज और 4 को हम बनाएंगे विदाउट प्याज, अनियंस को हम यूज नहीं करेंगे। और उसके लिए हमने यहाँ पर 4 टेबलस्पून खसखस और सरसों का पेस्ट हमने यहाँ पर करके रख लिया है। 4 टेबलस्पून बनाने के लिए हमने सूखे खसखस को 1 टेबलस्पून सूखे खसखस लिए हैं और 1 टेबलस्पून सूखा सरसों लिया है, उसको पानी में हमने भिगो कर रख दिया था 1 घंटे के लिए। और नमक और हरी मिर्ची के साथ हमने इसको यहाँ पर पेस्ट कर लिया है। जब हम पेस्ट करते हैं तो डबल हो जाता है, तो यहाँ पर 4 टेबलस्पून अब पेस्ट है हमारे पास। और थोड़ी सी हींग चाहिए होगी हमें चुटकी भर, और धनिया के पत्ते चाहिए होंगे, नमक स्वाद अनुसार यहाँ पर, और थोड़ा सा ऑयल हमने यहाँ पर यूज करना है। ये जो हमने निकाल कर रखे हैं इसको हम थोड़ा सा दरदरा से पीस लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, हमने यहाँ पर दरदरा करके पीस लिया है। अब हम स्टफिंग तैयार करेंगे विदाउट अनियन वाली। तो इसके लिए हम सबसे पहले पैन चढ़ा लेंगे, सबसे पहले फ्रेंड्स हम 1 टेबलस्पून ऑयल यहाँ पर मस्टर्ड ऑयल डालेंगे। इसमें फ्रेंड्स हम 1 चुटकी कलौंजी हम ऐड करेंगे। अब फ्रेंड्स, ये जो हमने पेस्ट करके रखा था, दरदरा सा पीस के रखा था, इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। जो खसखस और सरसों का पेस्ट हमने बनाकर रखा था इसको हम यहाँ पर ऐड करेंगे। इसमें हम 1 चुटकी पहले हींग डाल लेंगे, हींग का पाउडर 1 चुटकी हमने यहाँ पर ऐड किया है। अब इसमें हम ये जो पेस्ट बनाया हुआ है, तो यहाँ पर हम 2 टेबलस्पून हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। आंच को हम धीमी कर देंगे और इसमें थोड़ी सी हल्दी, चुटकी भर हल्दी हम इसमें ऐड करेंगे। बस चुटकी भर हमने यहाँ पर ऐड की है। नमक पहले से ऐड था फ्रेंड्स इसमें, हमने जो पेस्ट बनाया था उसमें हमने नमक ऑलरेडी ऐड कर दिया था। तो इस स्टेज पर आप थोड़ा सा इसको चेक कर देख सकते हैं कि अगर आपको और थोड़ी नमक की ज़रूरत है तो आप इसमें इस वक्त ऐड कर सकते हैं, वरना ये काफ़ी है। तो मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। अब देखिए फ्रेंड्स, ये हो चुका है। अब हम इसको थोड़ी सी धनिया के पत्ते से एंड कर देंगे। जस्ट हम इसको रफली चॉप करके डाल देंगे, बस 1 टीस्पून
धनिया के पत्ते हमने यहाँ पर ऐड किए हैं और बस अब इसको हम लोग उतार लेते हैं। वन टीस्पून मस्टर्ड ऑयल कच्ची वाली हम इसमें ऐड करेंगे। ये 1 टेबलस्पून है तो इसका हाफ हमने यहाँ पर ऐड किया है। इसको अब हम मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको स्टफिंग करेंगे। इस तरह से एक एक करके हम इसको स्टफिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमने विदाउट अनियंस हमने यहाँ पर स्टफिंग बनाकर इसमें डाल दिया है। अब हम इसमें अब दूसरी तरह की जो विद अनियंस है स्टफिंग हम इसमें तैयार करेंगे। उसके लिए हमने एक छोटा सा अनियन लिया है, क्योंकि हम दो ही बना रहे हैं तो एक छोटा सा अनियन काफ़ी है। अब ये जो पेस्ट है हमने लिया है, यहाँ पर 2 टेबलस्पून पेस्ट है, सरसों और खसखस का पेस्ट है, एक हरी मिर्ची भी है इसमें, और ये अनियन छोटा सा लिया है हमने। ये जो मिडिल पोर्शन है इसको हम हटा देंगे, ये बिल्कुल टेस्टलेस है और हेल्थ के इश्यू से भी अच्छा नहीं है, तो हम इसको हटा देंगे। अब हम इसको फाइनली चॉप कर लेंगे। पहले से हरी मिर्ची दी हुई है, फिर भी हम एक और यहाँ पर ऐड करेंगे। थोड़े से धनिया के पत्ते हम यहाँ पर ऐड करेंगे, तो हम फाइनली चॉप कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, ये फाइनली चॉप हो गई है। ये 3 टीस्पून हुए हैं सारे मिलाकर, तो इसको हम यहाँ पर मिक्स कर लेंगे और इसमें 1 टीस्पून मस्टर्ड ऑयल कच्ची वाली हम इसमें और ऐड करेंगे। ये हमने 1 टीस्पून लिया है, इसको हम मिला लेंगे। इसमें नमक ऑलरेडी है फ्रेंड्स, अब हम इसको स्टफिंग कर लेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, ये हमारी तैयार हो गई है। हमने स्टफिंग डाल दिया है इसमें और हम इसको फ्राई करेंगे। फ्राई के लिए बैटर हम तैयार करेंगे, तो आइए देखते हैं किस तरह से बैटर हम इसमें यूज करेंगे। फ्रेंड्स, बैटर बनाने के लिए हमने यही बॉल यूज किया है जहाँ पर हमने स्टफिंग तैयार की थी, स्टफिंग को रखा था, और थोड़ा बहुत स्टफिंग रह भी गया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है और टेस्टी बनेगा ये हमारा बैटर। तो इसी में हम 1 टेबलस्पून बेसन ले लेंगे, 1 टेबलस्पून मैदा ले लेंगे और 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ले लेंगे। तो ये तीनों को हम मिक्स कर लेंगे। अब ये तीनों को हम यहाँ पर मिक्स कर लिए हैं पूरी तरह से। अब हम इसमें 1/4 टीस्पून हल्दी डाल दिए हैं और थोड़ी सी कलौंजी, एक चुटकी कलौंजी हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा सा जीरा हम यहाँ पर यूज करेंगे। 1/4 टीस्पून जीरा हम यहाँ पर यूज करेंगे। फ्रेंड्स, ये जो हमने मसाले डाले हैं, ये मसाला ऑप्शनल है फ्रेंड्स, इसको आप नहीं भी डालें, सिर्फ हल्दी और नमक से भी डाल सकते हैं, इससे भी बहुत टेस्टी बनता है। क्योंकि हमने जो मसाले बनाए हैं यहाँ पर, जो हमने स्टफिंग दी है, ये भी बहुत टेस्टी है, तो सिर्फ इसमें कुछ मसाले ऐड किए बिना ही बैटर बना लेंगे तो भी बहुत ही टेस्टी लगेगा। हाँ, लेकिन बेसन, मैदा और कॉर्नफ्लोर, ये तीनों आपको देने हैं। अगर कॉर्नफ्लोर नहीं है तो बेसन और मैदा तो बिल्कुल ही देने हैं आपको, नहीं तो वो क्रंची नहीं बनेगा, अच्छा नहीं लगेगा। तो इसको हम यहाँ पर पानी से, ये पानी हमने जार, मिक्सी के जार को मैंने धो लिए थे फ्रेंड्स। यहाँ पर थोड़ा सा जो खसखस और सरसों का पेस्ट बनाया था, तो उस पानी को हम यहाँ पर ऐड कर देंगे। थोड़ा सा और पानी चाहिए होगा तो हम थोड़ा सा और पानी ले लेंगे। एक और बात है फ्रेंड्स, अगर किसी को जो सरसों से गैस हो जाती है,
तो सरसों की जगह हम यहाँ पर सफेद तिल भी यूज कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, थोड़े थोड़े पानी मिलाकर हम इस तरह से एक बैटर तैयार कर लेंगे, ना ज्यादा थिक और ना ही ज्यादा पतला। इस कंसिस्टेंसी को हमें रखना है ताकि ये पूरी तरह से कोट हो जाए। अब हम इसको फ्राई करेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स हम मस्टर्ड ऑयल लेंगे। मस्टर्ड ऑयल एक पैन में हम गर्म होने के लिए देंगे। मस्टर्ड ऑयल फ्रेंड्स यहाँ पर फ्राई होने के लिए जितनी जरूरत है उतनी हम लेंगे। हमने यहाँ पर देखिए हाफ कप जितना तेल ले लिया है। देखिए तेल हमारी गर्म हो गई फ्रेंड्स। अब एक एक करके हम इसमें बैटर में डुबो कर डालेंगे। इस तरह से इसको हल्के से कोट कर लेंगे। और फ्लेम को हम सिम कर लेंगे। ये बिल्कुल ही रेडी है। अब इसको उतार लेंगे हम। देखिए फ्रेंड्स कैसे लग रही है हमारी काकरोलपुर या फिर भरवा कंटोला। इस रेसिपी को अगर आपको पसंद आई हो तो शेयर कीजिए फ्रेंड्स, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूले फ्रेंड्स।